नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विवेक रीसेलर में। दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा और मेरे को लगता है मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है जिसकी मैं बात करूँगा इस वीडियो में। आप हमेशा मेरे से पूछते हो, सर बूपलर है, शॉप 101 है, ग्लो रोड है, और भी हैं इसके अलावा रीसेलिंग के एप्लीकेशन, तो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन कौन सा है? आप हर बार मेरे को, मेरे हिसाब से मैं अपनी बोलूँ तो मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा कमेंट में ये क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला है। इसके बाद मैंने कुछ ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म को लिया, फिर उनकी कमियों को बताया, अच्छाइयों को बताया। उसके बाद भी आपके कमेंट आए कि सर हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें फाइनल बता दो आप कि हाँ भाई कौन सी चीज़, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। अब इसका आंसर आपको जल्दी मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा, ये आंसर आपके थ्रू मिलेगा आपको। वो कैसे कि देखो, अगर अकेला मैं रीसेलिंग कर रहा हूँ, मैं तो सिंगल हूँ, इंडिविजुअल इंसान हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ कौन सी कंपनी का सही है और कौन सी बेकार है? देखो, मैं अपने रिव्यू दे सकता हूँ, वो मैं रिव्यू दे रहा हूँ, और सबसे बेस्ट कौन सा है वो आप लोग बता सकते हो। आप लोग सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि कमेंट में आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा कौन सा है, आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा अच्छा कौन से के साथ रहा है? मीशो के साथ रहा है कि सब 101 के साथ रहा है कि ग्लो रोड के साथ रहा है कि बूपलर के साथ रहा है? वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। जब आप सभी लोग कमेंट कर दोगे ना, तो मेरे पे बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे, मैं इकट्ठा करके उनका एक ग्राफ बना लूँगा। ग्राफ से मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोगों की किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है, मीशो में ज़्यादा अच्छा लगता है आपको कि ग्लो रोड में ज़्यादा या बूपलर में। तो उसके हिसाब से मैं रेटिंग पूरी फिक्स कर सकता हूँ कि इतने परसेंट लोग इसको यूज कर रहे हैं, इतना पॉजिटिव फीडबैक है, सारा मतलब मैं एनालिसिस बड़े आसानी से कर सकता हूँ और आपके लिए फाइनल रिजल्ट लेके आ सकता हूँ कि ये रीसेलिंग एप्लीकेशन यूज करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग कमेंट करके मेरे को ये बताएं। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि ये 4, 5 या 10 रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है तो आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, और जो बेकार लगते हैं उनके बारे में भी आप बता सकते हैं कमेंट करके कि हमें ये बेकार लगता है, उसका रीजन क्या है। क्योंकि देखो, मेरा डायरेक्ट कंपनियों से कनेक्टिविटी रहती है, मोस्टली जो रीसेलिंग कंपनियां हैं उनसे मेरी डायरेक्टली कनेक्टिविटी रहती है। अगर कोई प्रॉब्लम आप बताओगे तो उनसे मैं डिस्कस करूंगा उस टॉपिक पर, और उससे सॉल्व करवाने की कोशिश भी करूंगा। तो आप लोग कमेंट करके, सभी लोग जरूर एक बार कमेंट करें जिससे हम आपके लिए फाइनल डिसीजन ले सकें कि सॉप 101 अच्छा, कि ग्लो रोड अच्छा, कि बूपलर अच्छा, या इसके अलावा भी जो भी रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है उनमें से सबसे अच्छा कौन। बस आपकी हेल्प चाहिए इस काम में, तो आप, आशा करता हूँ मैं कि आप लोग हेल्प करेंगे। तो सभी कमेंट करना, कमेंट में देखो पैसा नहीं जाता, वीडियो को लाइक करना और दूसरे रीसेलर को भी इस वीडियो को शेयर करना जिससे वो भी रिव्यू दे सकें और फाइनल हमें पता लग सके कि भाई साहब सबसे अच्छा रीसेलिंग एप्लीकेशन कौन सा है। अब ये आप सारा बता दोगे तो मैं कुछ दिन बाद इसका पूरा एनालिसिस करके आपको फाइनल रिजल्ट बताऊंगा इसके कि कितनी रेटिंग आप लोगों ने दी है किसको, और कितना अच्छा पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है, सेकंड पे कौन सा आ रहा है, थर्ड पे कौन सा आ रहा है। आपके रिव्यू आप ऐसे भी दे सकते हो, हैशटैग वी मेक रीसेलर, और फिर नाम लिख सकते हो कि शॉप 101, ग्लो रोड, वूपलर, या जो भी हैं आप जानते हो जिनको जिनको यूज करते हो बहुत सारे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, इस वीडियो का कंटिन्यू पार्ट 2 बनाऊंगा, उसको देखना, आपके रिव्यू के आधार पर वो पार्ट 2 होगा। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोज देखते रहिए। ये भी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।